पानी का एक ग्लास और कॉफी ब्लैक कॉफी थैंक यू और पतली हो गई अब और थोड़ी पतला और थोड़ा पतला हाँ. कुछ कर रही है लोगों को देखकर मुझे पहले बड़े नो बट लाइक दे डोंट स्ट्रेस ओवर इट एज मच लाइक आई फील लाइक इट्स जस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइव्स जेनेटिकली दे आर बेटर जेनेटिकली बट आई थिंक वो बचपन से ही थोड़ी ज्यादा आउटडोर ही यस सो वो सब उनको बहुत हेल्प करता है दैट्स व्हाई देयर जेनेटिक्स आर लाइक दैट आल्सो उनके पेरेंट्स भी वही करते हैं करेक्ट एंड आई थिंक लाइक हर चीज जो है वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही हो जाती है एडी सबके फ़ोन साइलेंट पे कर लीजिए प्लीज़ ताकि किसी का कुछ आए नहीं बजे नहीं मेरा फ़ोन कहाँ है मेरा फ़ोन भी साइलेंट पे कर दो फ्रॉम साइड साइड में एक बटन है छोटा सा साइड साइड बटन साइड साइड हाँ इधर इधर हाँ जस्ट नहीं गिव 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 कुछ लाइव कर लें कुछ लाइव कर लो फेसबुक लाइव या इंस्टा लाइव पे चले फेसबुक तो बकवास आप एक आप एक कर लो और मैं दूसरा कर लेता हूँ सो इफ यू गो फेसबुक आई गो इंस्टा सो देन एवरीबॉडी गेट्स इट यू जस्ट गो लाइव ऑन ना यू गो लाइव ऑन फेसबुक फ्रॉम माय पेज कैन यू डू दैट यू वोंट बी एबल टू डू दैट या आई कांट डू दैट फ्रॉम योर पेज यस गिव मी माय फोन माय मेरे फोन से जाना पड़ेगा या आप फेसबुक पे चले जाओ मैं इंस्टा पे जाता हूं व्हाटएवर यू प्रेफर आई हैव मोर रीच ऑन इंस्टा सो इंस्टा इज बेटर सो एक्चुअली सो डू आई बट ठीक है कोई बात नहीं अच्छा ओके Insta is so much more convenient it is convenient and then everybody seen by more people yes, now. Yes, yes. Facebook should we is make this IGTV story वैसे हाँ ठीक कैसे करते हैं इसको so you can go with Insta and भाई किसी को पता ही IGTV कैसे शूट करते हैं उसके ऊपर है ना ऑप्शन उसके ऊपर ये जस्ट ओह आई हैव टू गो ऑन माय नाउ इट इज शमा हाँ एड हाँ पर वो कानून के पैर थोड़े लंबे हैं हाँ बस बस ठीक है गुड लॉर्ड आई डोंट नो हाउ डू यू शूट दिस ओके ये लो लाइव चले जाओ भाई इंस्टा से कर दो समबडी होल्ड दिस एंड एक्चुअली मे बी वी शुड नो यू कैन टर्न इट टर्न द कैमरा द अदर वे अराउंड एंड देन या इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड यप लेट देम सी द स्टफ दैट हैपेंस बिफोर एज वेल Let it go. Don't worry. चलने दो. चलो. अब आप शूट करते हो. देख लो शूट हो रहा है. The point is कि मुझे था कि जितने दो तीन दिन पहले जितने लोगों को एक बार कान में बात डालते हैं. हाँ वही. अब वही. That's good. तो आजकल इतना attention नहीं मिलता ही नहीं. आजकल तो so many things हैं. Everybody gets too many notifications, yes. too many things. Yes. Gaurav, Shama, बहुत बहुत स्वागत है आपको इस conversation में. Thank you. काफी अरसे बाद नजर आ रहे हैं आप हाँ हम दोनों से कभी ऑन स्क्रीन नजर ही नहीं आए पहली बार काफी अरसे बाद नहीं पहली बार नजर आए इनफैक्ट हो सकता है इसके बाद और हो किसी को करना चाहिए बिकॉज लोग यू नो पैसा खर्चते हैं और कहानियां बनाते हैं और उनको केमिस्ट्री की गारंटी नहीं होती यहाँ गारंटी है काफी मजा आया होगा साथ बोलिए नहीं मुझे हमेशा इनके साथ काम करके बात करके हमेशा मजा आता है हालांकि ये मेरे पहले पड़ोसी थे मुझे बहुत साल तक पता ही नहीं था कि ये मेरे बिल्डिंग में रहते हैं मैंने इनको एक दो बार नीचे देखा हो पहले मुझे लगता था बड़ा खड़ूस आदमी मुझे पहले लगता था बड़ा ही खड़ूस आदमी होगा ये पता नहीं कैसा है बात बात करता नहीं है मैं खुद ही बात नहीं करती थी उनसे तो आई एम जस्ट यू नो इंसान की हैबिट होती है दूसरों पर ब्लेम कर देना सो पर मोस्टलों के लिए मैं हूँ खड़ूस अच्छा ऐसा तो वो हमेशा बोलते हैं बट ऐसा मुझे लगता नहीं है मैं सिलेक्टिवली नॉन खड़ूस हूँ मोस्ट अदर पीपल Yeah, no, but with me he was fantastic. The moment we just connected and tabhi saath mein kaam nahi kiya jab saath mein reh rahe the ek hi building mein. But now finally we got a chance. I had this story and I was like, who to talk to? Because I wanted a friend, you know, who can understand the whole process of Abdul Kisun. जैसे कि आप सब जानते हैं क्या उसका motto है, क्या उसका हम किस नजर से उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं. So I wanted somebody who can understand. And Gaurav and me have this. Bond from before, you know, we sort of एक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग है नहीं that really works तभी मैंने कहा केमिस्ट्री गारंटीड है वो basically बहुत सारे thought processes जो इंसान के होते हैं वो जब मैच कर जाते हैं तो बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाता है सो when she called and she said
वन लाइन कि वो ऐसा कुछ करना चाह रही हैं एंड आई वाज लाइक ओके, बिकॉज उससे ज़्यादा ना उन्हें कहने की ज़रूरत थी ना मुझे कुछ और समझने की ज़रूरत थी. एंड एज अ पर्सन यू नो व्हेन अगर कोई ऐसा इंसान होता है जिससे मिलकर आपको खुशी होती है तो उसके साथ काम करके फिर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज इट्स लाइक अ बोनस जहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जिससे वैसे भी मिलने में आप खुश होते. कहानी एक बहुत चाहे छोटी कहानी है बट एक बहुत रेलेवेंट बात कह रही थी. एंड आई थिंक इस तरह की बातें और कही जानी चाहिए और जिस नीयत से शमा इन बातों को लोगों के सामने रख रही हैं वो नीयत इतनी पाक इतनी साफ़ है दैट मेरे लिए उसमें हिस्सा बनना या इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़ना या यू नो कोशिश करके इनका हाथ बटाना वाज समथिंग दैट आई वुड रियली वांट टू डू. एंड एक और अच्छी बात जो इनमें है जो हमारी कॉन्वर्सेशन में हमेशा होता है वो ये कि ये बातें फॉर्मेलिटी सेक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट नहीं कहती. शी एक्चुअली बिलीव्स इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो इन सब फिल्मों में जो भी ये बातें कह रही हैं ये वो हैं जो सचमुच इनके दिल से निकली हैं. एंड सो फॉर मी टू यू नो रेजोनेट दैट इनसे कि हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ वो इज़ क्वाइट ईजी. Thank you. So, Shama, how you come with like acceptance? Fifth chapter, non-acceptance. ये कैसे और कब? Actually, मैंने अपनी लाइफ में सीखा कि हम बहुत कमज़ोर हैं एक्सेप्ट करने में. ह्यूमैनिटी जो है बहुत कमज़ोर है. जब भी कोई बात ऐसी आती है एंड एक्सेप्टेंस इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट की टू सक्सेस. जब आप एक चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं लाइफ को एज इट इज़ तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है. इट बिकम्स वेरी सिंपल. एंड हमने बहुत छोटी सी बात यहाँ बोलने की कोशिश की है क्योंकि मैंने ये सीखा है लाइफ में कि सब सिखाते हैं सच बोलो सच बोलो सच बोलो लेकिन सच सुनना कोई नहीं सिखाता. तो हमें आता ही नहीं है सच को कैसे सुना जाए और कैसे लिया जाए. हम सिर्फ दूसरों से उम्मीद करते हैं भाई तुम सच बोलो बट हमारा खुद का कुछ पता नहीं. सो आई थिंक जब हम खुद इतनी सच 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 डिमांड करते हैं तो हमें सच को देना भी और सच की तरफ अपना एक्सेप्टेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है. सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड दिस. और मुझे लगा कि जब ये मैं फिल्म के बारे में सोच रही थी तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स बन रही थी टूट रही थी यू नो रिलेशनशिप के बारे में ही हो रहा था. मैंने कहा यार ये बहुत ही सिंपल बात है कि जब एक रिलेशन में इतना छोटा सा सच जो इतनी बड़ी वजह बन जाता है किसी बहुत बड़े दरार की तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ये सवाल हमारा ऑडियंस से होना चाहिए कि भाई आप सोचिए कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ एक्सेप्टेंस केम एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड यू नो समबडी जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जिसके साथ मैं बहुत ही अच्छे से कर पाऊँ इसे ना कि बिकॉज हमारे शूट एक ही दिन की होती है यू नो. सो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपनी केमिस्ट्री बनाएं फिर जाने फिर पहचाने एंड ऑल दैट. एंड when I could think of somebody who can match my persona there was only Gaurav. so I just called him. I said देखो भाई तुमको ये करना है. ये बड़ा जलेबी वाला compliment. No, but it's not. I should say thank you. But एक चीज one thing that I want to add is that you know हम बचपन से सुनते आते हैं that truth की अपनी एक strength होती है सच की अपनी एक ताकत होती है और हम हमेशा किताबों में पढ़ते हैं और भाषण में कहते हैं कि आप सच कहें और सच की ताकत प्रिवेल करेगी और झूठ उसके सामने झुक जाएगा. पर सच की ताकत प्रिवेल करेगी और ट्रूथ की अपनी स्ट्रेंथ होती है पर क्या आपको वो ट्रूथ सुनने की स्ट्रेंथ आप में है क्या वो ताकत आप में है कि आप एक ऐसा सच सुने जो शायद आप ना सुनना चाहें. क्योंकि सच मोस्ट ऑफन देन नॉट वही होता है. ये दुनिया के जो दिखावे हैं वो सब झूठ हैं और वही हमारे लिए प्लेजेंट हैं. बट अगर कोई उस शोर शराबे से हटकर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट सच बात कह दे तो डू यू हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द थॉट इज. दैट्स द थॉट इज. अब दिल की सुने इसके और भी काफी एपिसोड पहले जैसे ग्रेटिट्यूड मर्सी आपने गौरव देखे सारे? जी मैंने सारे देखे हैं. एंड इसलिए मैंने कहा कि जो उम्मीद मुझे थी कि जिस तरह से हर छोटी कहानी में एक कोई दिल की बात होगी और कहानी के एंड में फिर एक सवाल भी होगा आपके लिए. एंड आई थिंक बाकी कहानियों के बारे में तो मैं इतनी गारंटी से नहीं कह सकता बट इसमें फॉर श्योर देखने के बाद सिर्फ एक मैसेज ही नहीं एक आपके लिए खुद ज़िंदगी में सोचने के लिए भी एक सवाल है. आपको शायद 10 दिन लगे उस बात का जवाब ढूंढने में पर शायद यही हम चाहते हैं. दैट इट्स नॉट जस्ट अ मैसेज दैट वी गिविंग वी आर ऑल्सो आस्किंग यू टू थिंक अबाउट दिस एंड
and come to a conclusion of your own. Yeah. So, Shama, if, like you said, when you ये तो सोचना पड़ेगा यार, क्या होगा उस चैप्टर का नाम? इल्यूजन, एक्चुअली माया. प्लगइन, सारे प्लगइन कर दो मेरे सारे अपने काम. या इट इज ऑल इल्यूजन, एवरीथिंग इज इल्यूजन हियर. जो आपको दिखता है सिवाय इसके वो वैसा नहीं है, ये वैसे ही है, ये वैसे ही, ये एकदम शुद्ध 100% वैसे ही, वैसी बात भी वैसी, दिल भी सच्ची और ऑथेंटिसिटी से. गौरव से हम पहले मिल चुके हैं, उस बारे में बात कर चुके हैं, और डिजिटली हम बात कर, जब आप गोरेगांव स्पोर्ट क्लब में आपने कहा था कि अगर सेंसरशिप की बात करें हम, तो अगर वेब सीरीज में हो डिजिटली, अगर वेब सीरीज में ना हो तो वो मूवी में भी नहीं होना चाहिए. तो शमा, इस बारे में आपका क्या राय है, क्या वेब सीरीज डिजिटल में भी सेंसरशिप होना चाहिए? मैंने ये कहा कि आपका लॉजिक आज के टाइम के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि किसी एक मीडियम में कोई चीज़ नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि उससे कुछ हो जाएगा, तो फिर वो लॉजिक दूसरे मीडियम पे भी अप्लाई करता है, और अगर यहाँ अप्लाई नहीं करता तो फिर वहाँ भी नहीं करता. सो यू शुड रीथिंक दिस होल थिंग. एंड अगर आपको बनाने हैं लॉज, पहले तो होने नहीं चाहिए, पर अगर बनाने हैं तो फिर वो आज के हिसाब से होने चाहिए. एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है, पूरी हमारी कंट्री की बात मैं कर सकती हूँ इस वक्त, बिकॉज हमारी कंट्री के बारे में, हम यहाँ जिए हैं, पले बढ़े हैं. मुझे लगता है हमारे लॉज ना बहुत 100 साल पहले बन गए और वो पत्थर की लकीर बना दिए लोगों ने. वो वक्त के साथ बदलने बहुत ज़रूरी हैं. वो हर किस्म के लॉ देख लीजिए, चाहे वो रिलीजन को लेके हैं या सोसाइटी को लेके हैं, या सोशल लॉज जो हमारे होते हैं, वो इतने हज़ार साल पहले बने हुए हैं. आई थिंक नाउ इज़ हाई टाइम, बिकॉज दैट्स वाई सो मैनी कॉन्ट्रडिक्शन, सो मैनी कॉम्प्लिकेशन आर हैपनिंग, बिकॉज आप आज वो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और आप आज की दुनिया पर वो लॉज अप्लाई कर रहे हैं और या फोर्स कर रहे हैं, या यू नो ज़बरदस्ती उन्हें थोपा जा रहा है, तो कैसे होगा? यू वॉन्ट टू मेक लॉज, देन मेक लॉज अकॉर्डिंग टू टूडेज वर्ल्ड. ही इज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेज दैट, यू नो, इट मेक्स कंप्लीट लॉजिक टू मी. एंड ये सोचना चाहिए कि जब वो लॉ बना तो क्यों बना, या exactly. और उस वक्त क्यों बना, या तो उस वक्त के ऐसे हालात थे, या उस वक्त कुछ ऐसे दौर थे जिनकी जिनके हिसाब से उन समझदार लोगों ने उन लॉज को बनाया फॉर दैट टाइम. So the समझदार लोग of this moment will have to do that again. No, but I always. हम लोग बहुत lazy हैं, हम लोग conveniently वही follow किए जा रहे हैं. I also feel that the laws are made for us. Correct. It is for us, but we should not forget us. What happens is we go behind the law so much that we forget that it is made for people, for betterment of people. अगर वहाँ betterment नहीं आ रही है लोगों की ही, तो फिर वहाँ कुछ गड़बड़ है. तो फिर आपको रीथिंक करना ही चाहिए, बिकॉज वो लोग जो चीज़ लोगों के लिए आपने बनाई है, बेटा मैंने खाना तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन खाना तुम वेस्ट मत करना. तुमको भूल गई मैंने खाने पे ही ध्यान दे दिया, मैंने खाना बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैंने बनाया है और तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम कौन हो वो तो भूल गया. सो यू नो, वो बेचारा तुम जो है वो ज़बरदस्ती बोलेगा मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाना चाहता है, क्यों खिला रहे हो मुझे, नहीं मैंने बनाया खाना, तुम खाओ. यू नो, सो आप भूल जाते हैं कि किस मकसद से क्या चीज़ बनाई गई थी. आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर. हम यही कहेंगे कि प्लीज़ शमा सिकंदर फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे जाइए, और हमारा 5th chapter जो इस फ्राइडे को 3 बजे रिलीज़ हो रहा है, उसे देखिए और देखिए और शेयर करिए, बिकॉज ये फिल्में जो हमने छोटी छोटी बनाई हैं, कई लोग मुझे शिकायत करते हैं इतनी छोटी फिल्में क्यों बनाई हैं आपने, बिकॉज आप सबका अटेंशन स्पैन इतना छोटा होता जा रहा है कि हम कैसे बड़ी फिल्में बनाएं. हम अगली बार बड़ी बना हाँ. या इन्हें जोड़ दें, या इन्हें जोड़ देंगे, या आपके पास अब तो बहुत सारा कोटा हो गया, अब आप जाके देखते रहे उन्हें एक के बाद एक. सो प्लीज़ देखें, प्लीज़ शेयर करें, एंड वी नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट. इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस काइंड ऑफ सिनेमा टू बी मेड, एंड ऐसी बातें और कहीं जाए, देन आपको और सपोर्ट देना पड़ेगा, आपको और प्यार दिखाना पड़ेगा. सो प्लीज़ देखिए उसे, और आई होप यू नो, आई एम रीडिंग ऑल द कॉमेंट्स एंड दे समटाइम्स दे एक्चुअली ब्रिंग टीयर्स टू माई आईज आउट ऑफ जॉय, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आउट ऑफ सो हार्ट फीलिंग, बिकॉज आई रियली डिडंट नो. मैंने तो एक
एक चीज बनाई थी कि लोगों को कहीं हेल्प हो जाएगी, बट इतनी हेल्प हो रही है या इतने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, इस कदर के कमेंट्स लिखते हैं, रिलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो जब आप लोग ऐसा लिखते हो तो हमें बहुत उसके लिए करेज मिलता है और बनाने के लिए, हमें बहुत क्या कहते हैं उसे, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं हम। सो प्लीज़ अपने फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करिए। आई मीन एक्सप्रेशन, एक सीरीज में इसमें भी बनाऊंगी एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई चीज़ें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आगे वाले को पता नहीं चलता। ओवर एक्सप्रेस, ओवर एक्सप्रेस, सो बैलेंस हैज़ टू बी देयर। सो या, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग अस एंड जस्ट कीप स्प्रेडिंग लव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Light and